वो कॉल अभी भी हो रही है। शुक्र है लगे बंदे, कोई बंदा बाहर जा रहा था तो दरवाजा खोल दिया और हम अंदर आ गए। लेकिन मसला ये नहीं कि हम अंदर आ गए, मसला ये है कि हम घर के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि घर का दरवाजा जब ही खुलेगा जब कोई उठ के उसको खोलेगा। और मैं चुप कर देता हूँ इससे पहले कि बाकी सब लोग उठ जाए। यार अल्लाह हयाती करे फैसल भाई, किसी ने यार दरवाजा खोल लिया, वरना हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हम अंदर आएंगे। मैं तो बाहर सीढ़ियों पे सो गया। एक बात बताऊँ, क्लासेस के लिए ना अपना लैपटॉप भी सही का क्लास गया हूँ। पढ़ाकू पढ़ाकू बच्चे से बाहर में क्लास है, जाने क्लास लेने। अब सर मैं कहता हूँ सुनो, जहाँ हमने चार छुट्टियाँ की हैं वहाँ पाँचवीं भी सही। हम रात को क्लास जब अपनी कैंसिल करवा कर सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे हैं सर ने कहा नहीं पुत्रों नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमने क्लास लेने ज़रूर आना है। 8 बजे क्लास से भी टाइम हो रहा है, 8:07, चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी। ने नहीं क्या नए कमल इस्लामिक चैनल, ट्रैवल विद डॉक्टर, क्या बात है। पढ़ाई सच्ची बताऊँ ना, बिल्कुल पढ़ाई, क्या बात है। सर आए 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 सर, हाय हेलो करें सर, आपको लोग इतना पसंद करते हैं, जिससे पूछे ना सर, हमारे आपके सबके फेवरेट टीचर हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच, ये आप लोगों की जो है ना क्या कहते मोहब्बत है, मोहब्बत है आपकी जी सर, बिल्कुल ठीक है। सुबह 8 बजे सर उठ के आए हैं क्लास के लिए, सर की क्लास तो हुई नहीं लेकिन सिर्फ सर की मोहब्बत में आए, यकीन करो। अगर सर ना ना होते, अगर कोई और टीचर होता हमने आना भी नहीं था। सर कितनी देर, तू कितनी देर सोया? एक घंटा मैं अब तकरीबन 44-45 मिनट। खोल, बंद हो गया देर में यार, मेरा आवाज हो गया जा यार। सोकर उठे हैं अभी जस्ट सोकर उठे ही हैं, कि अभी खाना वगैरह तो खाना ही है, रात के तकरीबन 10 बजने होंगे, टाइम का मुझे आइडिया है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई खाना हमसे पकेगा नहीं, सीधी बात है, हमारे जो खाना पकाने वाले अली भाई हैं वो है नहीं, तो खाना हमें बना कर देगा कौन? अली भाई आपकी देखो इतनी याद आ रही है, सिर्फ खाना बनाने वक्त नहीं वैसे भी आपकी बहुत याद आती है अली भाई। अभी हम जा रहे हैं उधर फिर अपना कबाब शबाब खाने, क्या करें जब कुछ नहीं मिलता तो हम कबाब खा लेते हैं। चलो ये आखिरी दिन है ना, जो आखिरी दिन है ये इस फरवरी का, ये भी खर्चा करवा रहा है। और फरवरी भाई ख़त्म हो जाए तो जब खुदा का वास्ता ख़त्म हो जा। भैया हमने क्या मंगवाया था? मोमोज। और ये मम्मीज आए छोटे छोटे, ये मम्मीज आए भी उन्होंने पता नहीं ये किस तरह की सॉस में या लिक्विड में डिबो के दिए हैं। टेस्ट तो कर इसको। टू हॉट, टू हॉट टू हैंडल, टू हॉट टू हैंडल। ये दूसरा क्या था? ये दूसरा क्या था? ये था कोई बीफ इन पता नहीं क्या कजाक स्टाइल में। इसके ऊपर भी डंपलिंग वाली डो है। ये डंपलिंग है क्या? ये डंपलिंग वाली डो, डंपलिंग वाली नहीं यार, ये चर्बी हो गई है। चर्बी नहीं है यार भाई, ये चूरी है। चूरी स्टाइल है क्या ये? चूरी की मॉडर्न स्टाइल, और चूरी नहीं क्या कहते इसको, जो वालदन के 100 रुपये के अंदर रोटी वगैरह डाल देते थे, चूरी कहते हैं। और ये चूरी और होती जो रोटी को तोड़ के करते थे भाई जान, ये भी रोटी तोड़ के चूरी है। बिल्कुल यखनी की तरह। अच्छा बिल्कुल यखनी की तरह, मतलब ये गंदा नहीं है, मज़ा आ रहा है, मतलब सही है। और मोमोज, मोमो चेक करता हूँ अभी, गर्म है भाई, इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा, जैसे यखनी होती है ना। अच्छा 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 यखनी होती है ना। यार वो भी ना नमकीन यखनी है, प्याज डली हुई, इसका थोड़ा हल्का जायका आ रहा है, और ये वो बॉइल्ड मीट है, बस मतलब अच्छा है यार, मतलब मजे वाला है। साथ में लपोच की हाँ, हाय हाय हाय, पर खाने तो तंग ना करो, जामा तंग ना करो, बंद कर दो यार, तंग ना करो। ये है जी ओशिमा तारो डंपलिंग्स। अच्छा कैसा? बहुत बहुत कम मिकदार है अंदर मीट की। हाँ यार वो लाइट सा ना बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब जब मुंह में घुलता है ना, क्या यार नमक नहीं बड़ा ना, यार नमक नहीं ना है। ये है सिर का पागल है, सिर का डालना यार, इसको लपोच के साथ होना ऐसे बंदा डबोए लपोची को, तो भी होगा इसमें सही तरह ज़्यादा हो जाएगी लपोच की। ये क्या कबाड़ा किया आपने मोहम्मद भाई, क्या कबाड़ा किया ये? ये जो किया ना फैसल भाई ने किया, जो किया इस बंदे ने किया, इस बंदे ने। फैसल भाई की तबीयत खराब है यार, आज आप लोग दुआ करें फैसल भाई ठीक हो जाए। फैसल भाई ने तबीयत खराब है, बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खाए अपनी शक्ल से लग रहा होगा, देखो कितनी तबीयत खराब भाई की, चक्कर आ रहे ध्यान से पकड़ना यार।
ये अभी हमने ये लिए दो, मेरे मोबाइल का जो कवर है ना, कहाँ है मोबाइल मेरा, मेरा मोबाइल का कवर ये देखो खराब है यार, नहीं लेना है बस जोर ना यार, गरीब लोग यार आईफोन ले लेना अपने 14 प्रो मैक्स 40 का 14 27 27 प्रो मैक्स लेना है यार मैंने, खैर ये जुड़ जाएगा जैसे ये वाली साइड में जुड़ी थी ना, और यहाँ से भी खराब हो गया था, कलर तो मैंने ऊपर स्टिकर लगा दिया, ये ओरिजिनल एप्पल का स्टिकर है ठीक है ना, ओरिजिनल वही जो 30 प्रो मैक्स लिया था उसके साथ मिला था। हाँ जी वो जो व्लॉग करते हैं 30 प्रो मैक्स ही करते हैं। तो यार ये देखो मेरा कवर जो है ना बिल्कुल नए जैसा हो गया, तो यार जब एक कवर नए जैसा हो सकता है तो उस पर पैसे क्यों खर्च करने। यार मौसम देखे कितना प्यारा है, मतलब कि सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना ये टाइम ही बरकतों वाला होता है बाकी, और लगता भी है इसे ना कि आप देखेंगे इतना, मतलब यार इस वक्त में अजीब सा सुकून है, अलग इसका अलग ही मजा है, इसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने कपड़े इस्त्री किए अपने, ये देखें, मतलब कि भाई कपड़े इस्त्री करना मेरे लिए ऐसे है जैसे कि पहाड़ चढ़ना, मैंने फिर भी कपड़े इस्त्री किए, मैं कपड़े इस्त्री कर ही रहा था कि कॉल आई है क्लास कैंसिल है, हमारे लिए तो अच्छी बात है यार। बाकी ये बात बतानी चाहिए नहीं मेरा ख्याल है ब्लॉग के अंदर, हो सकता है मैडम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, कौन सा मैडम ब्लॉग देखती है। तो सर अपडेट कुछ इस तरह है कि भाई मैंने ना सुबह सामा को कहा, मैंने कहा सामा भाई हमारी ये क्लास तो कैंसिल हो गई है ठीक है, अब बाकी रह गए पीछे दो लेक्चर रह गए, आप या तो नाश्ता बना लो या क्लास, मैंने इसको नाश्ते को इतना जोर दिया, मैंने कहा यार नाश्ता बना ले नाश्ता बना ले नाश्ता बना ले, इसने नाश्ते नहीं बनाया, कहता मैंने क्लास लेने ही जाना है यार, पढ़ने आया ना इधर घर जाके तब करने नाश्ता तो करने ही है ना, पढ़ा क्लास हुई थोड़े बहुत क्लास हुई, एक क्लास लेके नहीं आया, क्लास लेके नहीं आया तू, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ यकीन करो, कोई फायदा नहीं हुआ जाने का आज, कोई फायदा नहीं आने का हुआ अभी ये लोग बैठ कर यहाँ पर सामान का हिसाब किताब बना रहे हैं, ये देखें अली भाई एक बात बताएं, ये खीर के तीन तीन डब्बे पड़े हैं यहाँ पर, खीर के तीन तीन डब्बे पड़े हैं यहाँ पर, आपने क्या करना है, बेचना है पाकिस्तान लेके जाना था तो ले जाते यार, बताया नहीं कि डब्बे पड़े हैं सर, हम बंदा खा ही लेता है, खाना वगैरह खाना है तो क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं हुआ हमने, हालांकि उठे हम मतलब 6 बजे के हुए खाना, हमने कुछ खाया नहीं हुआ, देखें हिम्मत है हमारी ऐसे ही बाहर आके पतले नहीं हो जाते, तो खाना खाते हैं उसके बाद मेरे ख्याल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप लोगों को भी पता भी नहीं लगा हो कि हम लोग ओश बाजार आके सामान लेके वापस घर भी जा रहे हैं, मतलब कि यार हमारी तकरीबन 2 घंटे की जर्नी भी नहीं है, मतलब कि टोटल हमारा काम जो है वो 2 घंटे के अंदर निपट गया, और अच्छी बात आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2 घंटे के अंदर हम फारिग हो गया बिल्कुल ही, मतलब सारा काम जो है वो हो गया, क्योंकि आज हमारे साथ अली भाई नहीं थे, अली भाई होते ना कम से कम 4 घंटे लग रहे थे हमें, और वो जो मैंने पीछे बोला था कि अभी हम खाना खाएँगे पता नहीं कब खाएँगे, कुछ खिला दे बहुत भूख लगी है यकीन कर, बहुत भूख लगी है, मुझे लगी हुई है, ये झूठ बोलता है, कहता है जाओ चलते हैं अपना रास्ते में तो सबसे खिलाऊंगा, कुछ भी निकला है हमारे पास नाश्ते में लंच में और प्री डिनर में है, अंडा साथ ये दाल, ये 2-3 दिन पहले की बची हुई थी सामा भाई ने गर्म कर दी, सामा भाई थैंक यू, क्या पराठा बनाया सर, क्या आपने अंडा बनाया, क्या आपने दाल बनाई है, शुरू कर दिया तेरी मेहरबानी है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चल क्या रहा है, अगर 3 दिन का ब्लॉग हसन भाई एक ही ब्लॉग में डाल रहे हैं, 3 दिन एक ब्लॉग में शो कर दिए यार क्या बात है, तो हसन भाई को खुद नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भाई साहब अभी हम क्लास लेने के लिए आए थे लेकिन हुआ क्या, मैडम ने कहा मुझे चाहिए 3 ऐसे स्टूडेंट जो रिस्पॉन्सिबल हों और मतलब बेस्ट स्टूडेंट हों, टॉप नॉच के स्टूडेंट, मैंने कहा ठीक है मैम, एक तो मैं आ गया साथ में 2 लोग ये लेकर आया वसीम और उस्मा को, मैडम कहती है हसन बेटा आप तो ठीक हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप तो ठीक हो, ये कौन से टॉप नोट के स्टूडेंट हैं, ये कौन से अच्छे स्टूडेंट हैं, नहीं गुड स्टूडेंट है, उसामा का ये कहना है कि हमें ये वीडियो में दिखाना नहीं चाहिए कि हम क्लास का बंक मार रहे हैं, लेकिन हम बंक नहीं मार रहे यार, ऐसी बात इस तरह है दरअसल कि अभी क्लास हमारी हो रही थी, बल्कि हो रही है, कुछ लोग ले रहे हैं क्लास बाकी से वो हमारे तीनों के अलावा, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं यहाँ पर गेम खेल रहे थे, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं यार, सुनो इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, और मेरा कौन सा ब्लॉग देख लेना मैडम ने यार पागल, और वैसे भी हम ऑफिशियल छुट्टी लेकर आए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी तरफ से आके बैठे हैं, अब हमें ना बुलाते वो उसके लिए वीडियो के लिए हम ना जाते, अब हमारा दिल नहीं कर रहा जाने का, हम क्या करें यार, ये सिंथेटिक ग्रास थी मैं तो इसको अल्लाह के बंदे वैसे ही उठाता रहा करता रहा निकली नहीं मेरे साथ, ये ग्लू के साथ लगाई होती नीचे उन्होंने, तो साहब आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं ये,
कि ये डुप्लीकेट ग्लास थी यार। आज के दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे यकीन करो कुछ नहीं पता। इस व्लॉग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये 3 दिन का व्लॉग है जो इकट्ठा बन के आ रहा है। और अभी आपको पता लग रहा होगा कि बारिश हो रही है, और ये देखो कितना मैं कहता हूँ इतना प्यारा मौसम है ना। बस एक चीज़ की कमी है, वो मैं बताऊँगा नहीं समझदार को, सारा काफ़ी। इसी बात के साथ आप जाओ, इसी बात के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए जो करना है करो यार, अब सारा कुछ मैंने थोड़ी बताना है।